बिहार में बीजेपी और एनडीए की चुनावी नैया पार लगाने के लिए उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री और आध्यात्मिक गुरु सतपाल महाराज ने भी मोर्चा संभाल लिया है। सतपाल महाराज ने दीघा विधानसभा क्षेत्र से एनडीए प्रत्याशी डॉक्टर संजीव चौरसिया के समर्थन में पटना के गार्डेनिया बाग स्टेडियम में विशाल चुनावी जनसभा को संबोधित किया। चुनावी जनसभा में सतपाल महाराज ने केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनाई और जनता से बिहार के विकास के लिए एनडीए गठबंधन के पक्ष में वोट मांगा। सतपाल महाराज ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज देश विकास के नए नए आयाम स्थापित कर रहा है। आपको सुनकर के आश्चर्य होगा, विकास के नए नए आयाम स्थापित किए जा रहे हैं, 4 लेन रोड बनाई जा रही है और मेरे को ऋषिकेश से प्रण मिलाकर तो मेरा एक प्रोजेक्ट था कि मेरे पहाड़ों के अंदर रेल जाए, उसको भी मोदी जी ने साकार किया। बिहार के अंदर जब हम आते थे तो सड़कों पे बड़े बड़े गड्ढे होते थे, ये नहीं पता चल रहा कि हम गड्ढे में है, गड्ढे में सड़क है या सड़क में गड्ढा। आज यहाँ पर कार्य कौन नहीं है, हर चीज में समय लगता है। भगवान जब जीव को भी पैदा करता है तो 9 महीने मां के गर्भ में लगते हैं, एकदम पैदा कोई नहीं होता। विकास के लिए समय लगता है, घोषणा के लिए समय नहीं लगता। विपक्ष पर तंज कसते हुए सतपाल महाराज ने कहा कि हम बड़ी आसानी से कह देते हैं कि हम लाखों नौकरियां देंगे, जबकि नौकरी के लिए पहले पद सृजित करने पड़ते हैं, बजट लाना पड़ता है। अगर बजट नहीं होता तो नौकरियां कहां से मिलेंगी, इसीलिए बजट के लिए हमें केंद्र सरकार की तरफ देखना होगा, क्योंकि जब हम ताली बजाते हैं तो ताली दोनों हाथों से बजती है और विकास की ताली भी दोनों हाथों से ही बजेगी। जब आपके बिहार में एनडीए की सरकार होगी और केंद्र में एनडीए की सरकार है तो निश्चित रूप से विकास की ताली बजेगी। तो मेरा कहने का अभिप्राय यह है, बड़ी आसानी से हम लोग कह सकते हैं कि हम इतने लाख नौकरी दे देंगे। नौकरी के लिए आपको पोस्टें क्रिएट करनी पड़ती है, बजट लाना पड़ता है। जितने लाख हम नौकरी देंगे उतने लाख का बजट भी चाहिए, अगर बजट नहीं है तो नौकरी कहां से मिलेगा। तो बजट के लिए आपको केंद्र सरकार की तरफ देखना, इसीलिए ताली आप बजा रहे हैं, दोनों हाथों से ताली बजती है और ये विकास की ताली भी दोनों हाथों से बजेगी। जब आपके बिहार में एनडीए की सरकार होगी और केंद्र में एनडीए की सरकार है तो निश्चित रूप में विकास की ताली बजेगी। बहुत विनम्रता से पटना की इस धरती पर आदरणीय सतपाल महाराज जी का बहुत स्वागत करता हूँ। देखिए, सतपाल महाराज जी ने एक बहुत बड़ी बात कही, जब मैं आ रहा हूं देश में सबसे पहले कोरोना होने वालों में माननीय सतपाल महाराज जी भी परेशान हुए, लेकिन जिस संयम का परिचय उन्होंने दिया पूरे देश ने देखा कि उन्होंने अपनी चिंता ही नहीं की, अपने परिवार की चिंता की और देश के सामने यह संदेश दिया कि अंदर से हिम्मत हो, संकल्प हो तो कोरोना पर विजय प्राप्त हो सकती है। ये सतपाल महाराज ने पटना में हुई इस चुनावी जनसभा में विशिष्ट अतिथि के तौर पर केंद्रीय मंत्री एवं पटना के सांसद रविशंकर प्रसाद भी मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, MI News।